नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक और वीडियो में। तो इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हम जो है पोलराइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है, साथ ही मॉल्स लॉ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कि किस तरह से रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होता है। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन से हम जो है प्रेफ्टर्स लॉ को प्रूव करेंगे और बताएंगे कि अगर जो इससे जो फॉर्मूला निकल कर आएगा म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी, ठीक है, पोलराइजेशन एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो अगर हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है तो हम पोलराइजेशन एंगल को निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमको पोलराइजेशन का एंगल पता है कि किस एंगल पर पोलराइजेशन हो रहा है तो हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये एक लिक्विड की सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, ये एक लिक्विड की सरफेस है और हमने जो है यहाँ पर ये वेव को डाला, लाइट को डाला, ठीक है। अब ये जो है इंसिडेंट एंगल आई इसके साथ बनाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ जो है वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ वेव जो है इसका पार्ट जो है यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये वेव है ना, ये वेव ये, ठीक है, इसके पास अपने दो वाइब्रेशंस हैं, एक ये और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, उसी तरह से यहाँ पर है, ठीक है, उसी तरह से ये, ठीक है, ये अपना जो है ऐसे इस तरह से ट्रेवल कर रही है। अब जब ये यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट होती है इस इंटरफेस पर, ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या होता है, इसके पास दो वाइब्रेशंस है, ठीक है, दो वाइब्रेशंस है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नीचे जो है लिक्विड सरफेस है, ठीक है दोस्तों, नीचे लिक्विड सरफेस है। अब जो है ये वेव जब लिक्विड सरफेस के पास आएगी तो जो लिक्विड सरफेस के बिल्कुल, जैसे ये लिक्विड सरफेस है और जो वाइब्रेशन बिल्कुल इसके साथ है इस तरह से, ठीक है, वो तो इसके साथ रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल इस तरह से खड़ा हुआ है वाइब्रेशन, ठीक है, उसको क्या कर लेगी, ये एब्जॉर्ब, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ये वेव है, सॉरी ये जो वाइब्रेशन है ये वाले, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, ये वाले जो वाइब्रेशन है, ठीक है, ये वाले वाइब्रेशन बिल्कुल जो है लिक्विड के इस तरह से आएंगे, तो आएंगे टकराएंगे और चले जाएंगे, ठीक है, और ये वाले जो वाइब्रेशन है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है, ये वाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये वाले चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये डॉट डॉट में है वाइब्रेशंस, ये वाले डॉट डॉट में वाइब्रेशंस हमको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाले जो वाइब्रेशंस है ना, ये जो ये वाले हैं, ये फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एका दुक्का इसमें जो है रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका पार्शली पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहां पर जो है ये दोनों हमको मिलेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब एक तो हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें ना एक चीज और जो है देखते हैं कि मान लो ये इंटरफेस है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ ना हमने जो है ये पहले तो देखो इतना एंगल बन रहा है ना ये, अब इस एंगल को हम क्या करते हैं और कम कर देते हैं, पहले बहुत कम कर दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन, ठीक है,
अब हमने मान लिया ये हमने 5 डिग्री दिया है, ठीक है, ये हमने 5 डिग्री मान लिया कि 5 डिग्री हमने दिया है। 5 डिग्री में हमने देखा जो है 20% इसमें पोलराइजेशन हो गया। अब हमने 5 से 10 किया, 10 में देखा हमने जो है 30 हो गया, उसके बाद जो है 10 से हमने 20 किया, उसमें हमने देखा 40 हो गया, ठीक है। तो एंगल को बढ़ाते बढ़ाते हम चल दिए, तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल इसमें आएगा दोस्तों, ठीक है, एक ऐसा एंगल इसमें आएगा कि जो यहां पर पार्शियली पोलराइज्ड हो रहा था वो फुल्ली पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है, जो इसको बिल्कुल फुल्ली पोलराइज्ड कर देगा, बिल्कुल फुल्ली, ठीक है, इसको बिल्कुल फुल्ली पोलराइज्ड कर देगा लाइट को। अब ये वाला एंगल जो इसको बिल्कुल फुल्ली पोलराइज्ड कर देता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और इसमें एक चीज और है, जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज दैट एंगल एट विच इंसिडेंट वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फुल्ली पोलराइज्ड एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चीजें आपको जो है लिख देनी है अगर आपसे पूछे भाई एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है, ये वो एंगल है जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे पूरी की पूरी जो है पोलराइज्ड हो जाएगी, साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आई और ये आई बी, ठीक है। अब इस चीज को यूज करते हुए ना हम ब्रिस्टल्स लॉ को बताएंगे, ठीक है, कि ब्रिस्टल्स लॉ जो ये होता है म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होता है, और यहाँ पर रे वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखो अब इसको हम किस तरह से बताएंगे, अब इसमें ना हमने मान लिया कि ये वाला आई पी है और ये वेव जो है फुल्ली पोलराइज्ड हो गई है, ठीक है दोस्तों, ये एंगल आर, ये एंगल आई पी, ठीक है, और ये फुल्ली पोलराइज्ड वेव, और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो है 90 डिग्री, ठीक है। अब रे जो है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब आई एंगल कौन सा है, आई एंगल वो एंगल है जो कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली पोलराइजेशन हमको मिल रहा है वेव का। चलो अभी आई पी उसको नहीं लेते हैं, इसको आई ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है साइन आर, अब ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का। अगर ये एंगल आर है, ठीक है दोस्तों, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर ये एंगल आई पी है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई पी या फिर आई, ठीक है। अगर ये एंगल 90 माइनस आई है और ये एंगल 90 माइनस आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, या फिर एंगल आर हम निकालते हैं, एंगल आर कितना हो जाएगा। अब ना ये देखो ये वाला एंगल जो आपस में है ये और ये ये कितना है 90 डिग्री, ये अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। सॉरी यहाँ पर ना ये आई नहीं, यहाँ पर आई है ना, तो ये भी यहाँ पर आई होगा,
जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, ये 90 माइनस आर हो गया, ये आई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस आई। ठीक है, अब देखो ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आर, टोटल एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर इज इक्वल टू 90। ठीक है, एक 90 से 90 हटा दो तो आ गया 90 माइनस आर इज इक्वल टू आई। तो आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस आर। ठीक है, या फिर जो है आर की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस आई, आई को इधर ले आओ और आर को यहाँ पर ले आओ, आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई, आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई। सो नाइन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर आ गया, टेन आई के बराबर आ गया। और आई यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो यही चीज़ जो है हमारे पास निकल कर आ गई। अब अगर यहाँ पर हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि वो एंगल कितना होगा जिस पर जो है रे पूरी की पूरी पोलराइज हो जाएगी। या फिर इसका अपोजिट, अगर हमको पोलराइजेशन का एंगल पता है कि भाई कितने एंगल पर रे जो है पोलराइज हो रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो है बता सकते हैं। तो दोस्तों पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ ब्रेवस्टर्स लॉ को हम इससे किस तरह से प्रूफ करते हैं ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब वेव फुल्ली पोलराइज हो जाती है तो उस टाइम पे जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन का एंगल बोलते हैं। साथ ही साथ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है सॉरी, या फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इस रिलेशन को यूज करते हुए हम जो है ब्रेवस्टर्स लॉ को यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।